तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के सामने जर्मनी की सरकार ने टेके घुटने, 2 साल से बंद पड़ी जर्मनी में मस्जिदों को खोलने का जर्मनी सरकार ने किया ऐलान, मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एयर इंडिया बेचने के बाद मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेचने का किया ऐलान, देश के लोग बोले धीरे धीरे देश बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाने से किया इनकार, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने छात्रों के ऊपर दर्ज कर दी FIR। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान ने भारत के दोस्ती भरे प्रस्ताव को ठुकराया, मोदी को भी लगाई है फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की RSS BJP ने सावरकर को बताया राष्ट्रवादी, तो भड़के असुद्दीन ओवैसी बोले गांधी को हटाकर उसे राष्ट्रपिता बनाएंगे भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान से अमेरिका को लगा बड़ा झटका, तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के निशान मिटाना किया शुरू, बदल दिया काबुल के बुश बाजार का नाम। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जर्मनी की सरकार ने मुसलमानों के सामने टेके घुटने, 2 साल के बाद 35 मस्जिदों में नमाज पढ़ने की दी इजाजत। जय दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जर्मनी की सरकार ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं और जर्मनी की सरकार ने 2 साल के प्रतिबंध के बाद 35 मस्जिदों में नमाज पढ़ने की मुसलमानों को इजाजत दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 में कोलोन शहर में स्थित 35 मस्जिदों को जर्मनी की सरकार ने बंद कर दिया था और यहां पर लाउड स्पीकर से अजान देने पर भी रोक लगा दी थी। वहीं आपको बता दें कि 2 साल तक जर्मनी की सरकार ने इन मस्जिदों में जांच कराई, जांच में आतंकवाद के खिलाफ कोई भी सबूत जर्मनी की सरकार को नहीं मिला, जिसके बाद जर्मनी की सरकार ने शुक्रवार से इन 35 मस्जिदों को खोलने का जर्मनी में ऐलान कर दिया है और आदेश जारी किया है कि 3 बजे के बाद 5 मिनट तक यहां पर मुसलमान लाउड स्पीकर से अजान भी दे सकेंगे और इन मस्जिदों में अब मुसलमान नमाज पढ़ सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े शहर जालौन में 35 मस्जिद स्थित थी, इन 35 मस्जिदों में जर्मनी की सरकार ने आतंकवाद के आरोप लगाए थे, इसी को चलते इन 35 मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2018 के बाद गहन जांच के बाद अब जर्मनी की सरकार ने इन मस्जिदों को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से जर्मनी भी अब मुसलमानों के सामने झुक गया है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एयर इंडिया कंपनी बेचने के बाद मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी बेचने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह पर फूटा देश की जनता का गुस्सा। जय दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर इसका निजीकरण कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते सप्ते केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया कंपनी को बेचा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एयर इंडिया कंपनी बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी बेचने का आज ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मोदी सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को अब बेचने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जो सोलर पैनल बनाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश के लोग काफी मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं और अब देश की जनता इसके बाद काफी मोदी सरकार से नाराज हो गई और देश की जनता कह रही है कि अगर मोदी सरकार 10 साल तक देश पर और राज किए तो ये देश की जमीन को भी बेच देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान ने भारत के दोस्ती भरे प्रस्ताव को ठुकराया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है और भारत के दोस्ती भरे प्रस्ताव को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है और इमरान खान ने भारत पर अकड़ दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तान सीनेट के चेयरमैन को भारतीय संसद के एक समारोह में शामिल होने के लिए भारत आने का न्योता भेजा था, जिसमें शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल JioTV की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पाकिस्तानी खबर द न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी एक संसदीय समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले हैं और उनने इसको अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो वहीं इमरान खान यानी पाकिस्तान भी भारत पर झटके पे झटके दे रहा है और अकड़ दिखा रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम छात्रों ने स्कूल में भारत माता की जय के नारे लगाने से किया इनकार, मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR की दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में एक स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंट ने प्रार्थना के बाद भारत माता की
की जय के नारे लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और हिंदू छात्र और मुस्लिम छात्रों में भिड़ंत हो गई, जिसमें हिंदू छात्रों की जमकर मुस्लिम छात्रों ने पिटाई कर दी है और स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार यानी 12 अक्टूबर को सुबह की प्रार्थना और राष्ट्रगान एक मध्य प्रदेश के स्कूल में हो रही थी। राष्ट्रगान के बाद सभी छात्र भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, मगर कुछ मुस्लिम छात्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब हिंदू छात्रों ने इसका कारण पूछा तो मुस्लिम छात्रों ने कहा कि भारत माता क्या होती है। इसके बाद ये तनाव बढ़ गया और फिर मुस्लिम छात्रों ने रास्ते में घेरकर हिंदू छात्रों की पिटाई की और कहा कि आप कौन होते हो हमसे भारत माता की जय के नारे लगवाने वाले, हमारी मर्जी हम मुसलमान हैं, हम लगाएं या नहीं लगाएं, आप हमसे दबाव में भारत माता की जय के नारे नहीं लगवा सकते। जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और हिंदू छात्रों ने मुस्लिम छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मध्य प्रदेश में लगातार मुसलमानों के प्रति घृणा बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो RSS BJP ने सावरकर को बताया राष्ट्रवादी तो भड़के ओवैसी, बोले गांधी को हटाकर उससे राष्ट्रपिता बनाएंगे भाजपा ही। यह दोस्तों आपको बता दें कि वीर सावरकर को 20वीं सदी का पक्का राष्ट्रवादी और भारत का पहला सैन्य रणनीतिकार बताने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर असुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना देश में शुरू कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वे महात्मा गांधी को हटा देंगे और सावरकर को भारत का राष्ट्रपिता बना देंगे। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप था, जिन्हें जस्टिस जीवनलाल कपूर की जांच में दोषी करार दिया गया था, आखिरकार राजनाथ सिंह उनके कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किस तरह से देश को गलत इतिहास भाजपा के नेता और RSS के लोग परोस रहे हैं और ये देश के लिए सही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बयान दिया कि सावरकर के बारे में विरोधियों द्वारा कई झूठे फैलाए गए। राजनाथ ने कहा कि सावरकर के बारे में बार बार ये झूठ फैलाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका दायर कर जेल में खुद की रिहाई की मांग की थी, जबकि सच यह है कि महात्मा गांधी ने ही उन्हें दया याचिका दायर करने के लिए कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये दावा राजनाथ सिंह ने कहा, जिसका असुद्दीन ओवैसी ने पूर्ण रूप से विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छठ पूजा को लेकर केजरीवाल के सामने झुकी केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली भाजपा को दिया मोदी ने झटका, कहा जैसा केजरीवाल दिल्ली में आदेश करेंगे जारी उसी तरह से मनाई जाएगी छठ पूजा। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की BJP सरकार को अब केंद्र की मोदी सरकार ने ही बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर हो रही सियासत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि छठ पर्व का आयोजन सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही होगा। ये बयान आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र को लिखे गए उस पत्र के बाद आया है, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने छठ मनाने को लेकर राय मांगी थी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली के BJP पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने छठ पूजा उत्सव पर प्रतिबंध लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले का विरोध किया था, जिसमें उनके चोट भी लगी थी। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा था कि अगर केंद्र की मोदी सरकार छठ पूजा से बैन दिल्ली में हटाती है तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, जिसके बाद दिल्ली सरकार का भी आज फैसला आया और दिल्ली सरकार ने जो है साफ कह दिया है मोदी सरकार ने कि जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार आदेश जारी करेगी वही काम दिल्ली में होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दिल्ली की BJP सरकार को बड़ा झटका लगा है, बुरी तरह से मनोज तिवारी भी पिट गए और दिल्ली सरकार की बात भी मोदी सरकार ने मान ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका के निशान मिटाना किया शुरू, बदला तालिबान ने काबुल के बुश बाजार का नाम। यह दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपनी छाप छोड़ने में लगा है। तालिबान अफगानिस्तान से हर वो चिन्ह प्रतीक खत्म कर देना चाहता है जो अमेरिका की याद यहाँ पर दिलाता हो। तालिबान ने अब अमेरिका को झटका देते हुए काबुल के बुश बाजार का नाम बदल दिया है। अब ये बाजार मुजाहिदीन बाजार के नाम से पहचाना जाएगा। ये जानकारी मोहम्मद जलाल नाम के ट्विटर यूजर द्वारा दी गई है। मोहम्मद जलाल ने बताया है कि काबुल शहर का बुश बाजार, जो अमरीकी मिलिट्री काइट्स जैसे जैकेट, बूट और कुछ चीनी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, उसका तालिबान ने नाम बदलकर मुजाहिदीन बाजार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 20 साल से अमरीका की सेना अफगानिस्तान में रही थी और अमरीका की सेना ने ही बुश बाजार का नाम रखा था, लेकिन अब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो तालिबान ने बुश बाजार का भी नाम अफगानिस्तान में बदल दिया है। ये बड़ा झटका दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मिले राहुल प्रियंका गांधी, राष्ट्रपति के सामने कांग्रेस ने रखी दो मांग।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के साथ राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दो मांगे रखी है। प्रतिनिधित्व मंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बताया है कि हमने राष्ट्रपति से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री के पद पे हैं, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के दो मौजूदा जजों से भी जांच कराने की इस बात को लेकर मांग की है। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर सरकार से बात करेंगे, यानी राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम उन्हें जल्द ही मंत्री पद से हटाएंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद जानते हैं।